दोस्तों आज हम बनाने वाले सनफीस्ट यिप्पी नूडल्स से फ्राइड मैगी। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैकेट सनफीस्ट का यिप्पी नूडल्स का पैकेट। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, इसमें डाला है पानी और यिप्पी नूडल्स को एक उबाल आने पर फिर गैस बंद कर दी है और उसको ढक के रख दिया और पानी निकाल दिया है 30 सेकंड के बाद। और यहाँ पर एक पैन में हमने मक्खन लिया है और डाला है प्याज बारीक कटा हुआ और इसी के साथ फिर थोड़े से इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम डाल देंगे शिमला मिर्च को और डालेंगे फिर शिमला मिर्च को भी पहले फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद डालेंगे टमाटर को, टमाटर को भी फ्राई करने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे मायोनीज, यहाँ पर हमारे पास गार्लिक मायोनीज है तो हमने यहाँ पर वही डाली है। और इसी के बाद हम डाल देंगे यिप्पी का मसाला, उसको ऐड कर मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डालकर। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी को जो कि हमने पहले उबाल ली थी और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। और इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम गार्निश करेंगे हरा धनिया। और बस तैयार है हमारी फ्राइड मैगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ट्राई करके जरूर देखना और अगर आपने ट्राई की हुई है तो यिप्पी नूडल्स के ट्राई करके देखना क्योंकि ज़्यादातर मैगी वाली ही मैगी की फ्राइड मैगी बनाते हैं तो यहाँ पर यिप्पी नूडल्स की भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसको फिनिशिंग देने के लिए हमने इसमें ऐड की है मायोनीज और ऊपर से हरा धनिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।